आप कहाँ से आ रहे प्रभु? हमेशा ऐसे कटोरा फैला के भीख मांगते हैं और बीच में थोड़ा थोड़ा पानी है, अगर टाइम होता अपने पास तो वहाँ मस्त उतर के जाते, नहा भी सकते हैं। तो भाई ये गेस करके बताओ, ये गुजरात है कि MP है कि राजस्थान है? डाकोर है या उन्हें बहुत गंदा कट मारा इस ट्रक वाले ने? अगर मैं अलर्ट नहीं होता ना तो ये मुझे निपटा देता ट्रक वाला। नॉर्म्स रूल्स के बारे में ना कुछ पता है ना पता करना है, कुछ लोगों के पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता। जय श्री राम, जय महाकाल। तो गाइस अब अपना टाइम आ गया है गुजरात को भी छोड़ने का। गुजरात में हमने बहुत टाइम स्पेंड कर लिया, बहुत घूमा, सारे ब्लॉग जो है धीरे धीरे आएंगे चैनल पे। तो आज आप लोग एक बार मैं आप लोगों को डेट दिखा दूं, 7 अप्रैल और सुबह के बज रहे हैं 7:30। वैसे तो मैं 7 बजे के अप्रॉक्स में ही निकला हूँ और ये गूगल में भी एक बार चेक करा दे रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ से बिहार। ये देख लीजिए, ये मैंने डायरेक्ट बिहार का वो लगा रखा है। तो गूगल मैप एस्टिमेटेड टाइम जो दिखा रहा है ना 29 घंटे का, लेकिन इस बार जो है अपने को कुछ रिकॉर्ड बनाना है तो कोशिश करेंगे कि हम उसके गूगल मैप के रिकॉर्ड को तोड़े। हमेशा तोड़ता ही हूँ मैं गूगल मैप के रिकॉर्ड को, वो जितना टाइम बोलता है ना उससे पहले ही पहुँचता हूँ, या तो 10 मिनट पहले पहुँचूँ या आधे घंटे पहले पहुँचूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बाइक में आप लोग देख लीजिए फ्यूल रेंज 440 मतलब भी फुल है और देखते हैं आगे क्या हो सकता है। यहाँ पुलिस वाले बहुत ज्यादा रोक रहे हैं, एक दो जगह पहले ढोल का भी रुका था और यहाँ भी रुका। आप कहाँ से आ रहे प्रभु? गांगड़, फिलहाल तो गांगड़ से आ रहा हूँ मैं, हूँ बिहार का। बिहार का? तो बिहार बाइक लेके जाएगी? बिहार से आया था बाइक लेके, यहाँ काम हो गया मेरा 5-6 दिन का था, अब जा रहा हूँ वापस। बाइक लेके? हाँ। इतना वो कहाँ बिहार कहाँ, ये ज्यादा दूर थोड़ी, 1800 किलोमीटर। इसलिए मैं सुना, मैं रोकने का नहीं नहीं मैं ये यूट्यूब पे ब्लॉग्स डालता हूँ। अच्छा, मैं देख रहा था इतना बाइक क्यों चला रहा हूँ, इसलिए मैं रोका। मैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसीलिए नहीं, आप लोगों का देखिए सपोर्ट हमारा ही रहा, इसलिए मैं कहीं भी बाकी को ऐसे रोड पर रुकता है तो मैं नहीं रुकता हूँ, क्या पता साला कोई कुछ कर ही दे, हाँ छीन ले मार ले, लेकिन पुलिस रोके तो रुकना है। मैं आप तो ये बाइक लेके इतना का बीआर का पास नहीं, आप है। नहीं वही जा रहा नहीं लगता, नहीं घूमता हूँ, 1.5 साल से ब्लॉग से डालता हूँ यहाँ दिल्ली भूटान। ठीक है सर, तो देखा आप लोगों ने, मतलब यही सेम चीज़ ढोलका में भी हुई थी, वहाँ भी पुलिस वालों ने रोका था मुझे एकदम बिहार के पासिंग देख के कि क्या है भाई, लेकिन यहाँ जैसे पुलिस देखती है ना कैमरा शांत हो जाती है, वही चीज़ यहाँ भी हुआ, इन्होंने भी कैमरा देखा एकदम से पलट गए। तो चलिए सफ़र में तो ये सारी चीज़ें होते रहती है, बस इन सब चीज़ों से डील करने आना चाहिए। ये एक जगह है खेड़ा, ये भी बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत फेमस प्लेस भी है यहाँ का, जैसे ढोलका खेड़ा ये सारी चीज़ें यहाँ, तो बावला, तो वो एक बात है। और ये ब्रिज का जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ ना, ये गोल 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 गोल, ये साइड वाले देख लीजिए, ये डाकोर है या उसके आसपास का कोई एरिया है, लेकिन यहाँ पे मतलब बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं। ये घर जो है एक छोटा सा वो किला दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि पहले के राजा महाराजाओं का जो घर होता था और उसके पीछे पूरा जंगल ही जंगल। और इधर भी पूरा मेरे राइट साइड में भी जंगल। और तेरी ये ट्रक वाले ने तो बिना इंडिकेटर और बिना किसी सिग्नल के मोड़ दी गाड़ी। यही सब चीज़ों से ना एक्सीडेंट आजकल रोड पर बढ़ रहा है, लोगों को समझ में आ नहीं रहा है, बस सब लोग लेके निकल जा रहे हैं, गाड़ी बाइक जो भी है बस सबको निकलना है, किसी को सेफ्टी नॉर्म्स रूल्स के बारे में ना कुछ पता है ना पता करना है, कि कुछ लोगों के पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता। मैं तो ऐसे ऐसे भी राइडर देखे हैं जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के घूम रहे हैं, बट उसमें क्या ही कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत गंदा कट मारा है इस ट्रक वाले ने,
अगर मैं अलर्ट नहीं होता ना तो ये मुझे निपटा देता ट्रक वाला। बट कोई ना, नाउ गलतेश्वर 16 किलोमीटर, गोधरा 51 किलोमीटर। चलो भाई अभी देख लो यार, 9:20 हो रहा है ठीक है, और 10 बजे के आसपास कहीं पे रुक के चाय वाय पी, 10 बजे तो बहुत धूप हो जाएगा, इधर ही कहीं रुक लेता हूँ, गोधरा में चल के ही चाय पीता हूँ। चलो फाइनल रहा डिसीजन, ठीक है चलिए चलते हैं और मिलते हैं अब सीधा आप लोगों से गोधरा में। सो गाइज फाइनली टाइम आप लोग देख लीजिए, हो रहा है 9:33 और मैं चल गया हूँ 100 किलोमीटर 120 जैसा। तो मैंने सोचा कि गाड़ी एक बार रोक के थोड़ा सा रेस्ट ले लिया जाए, और रोकने पर पता चला कि अपना चेन जो है वो पूरा सूख गया है, तो उसके लिए मैंने जो है लुब्रिकेंट साथ में लेके मैं ट्रेवल करता हूँ। तो कौन सा लुब्रिकेंट, ये जो KTM की तरफ से आता है, KTM वालों ने सर्विस सेंटर में मुझे प्रेफर्ड करा, भले तो मैं मोट्यूल यूज़ करता था या कैस्ट्रॉल, सॉरी मोट्यूल कह रहा हूँ, लेकिन अब ये मिला है तो इसको क्या करेंगे, पहले अच्छे से चेक कर लेंगे जितना हो सके। ये देख लीजिए कि उनका अपना ब्रांड है, वो प्रेफर करते हैं KTM वाले, OKS करके कुछ, CICTA सर्टिफाइड। तो सर्विस सेंटर से ही मैंने लिया था, इसका प्राइसिंग कुछ ज़्यादा नहीं पड़ता है, 600-700 रुपये का आया था मुझे ये, 500 ml की बोतल है। चलो जो भी हो, अभी फटाफट से इसको डालते हैं चेन में, सूखी चेन में फिर मज़ा नहीं आ पा रहा है बाइक को भगाने में, ऐसे सर सर कर रहा। अब यहाँ अकेले हैं तो नॉर्मली ल्यूबिंग करना पड़ेगा, कोई होता जो टायर घुमा देता तो अच्छे से ल्यूब हो जाता, बट अच्छा वाला तो पॉसिबल है नहीं, तो यही वाला कर दे कम से कम। मेरे को क्या बाइक से बहुत ज़्यादा प्यार है, अपने को क्या मतलब जो भी राइडर होते हैं सबको अपनी बाइक से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, ये सारी चीज़ें वो केयर करते ही हैं, और हम तो मतलब पूछो ही मत यार, मेरा तो अलग ही एक सॉर्टेड हिसाब है बाइक के रिगार्डिंग। तो चलो भाई ये हो गया एक काम डन, और अभी हम 1-1.5 घंटे में मतलब कि और 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर चलेंगे, उससे ज़्यादा का तो टारगेट अभी है नहीं, और फिर देखते हैं। अभी यहाँ से टोटली बचा हुआ है अपना 1500-1600 किलोमीटर, और गूगल मैप टाइम दिखा रहा है 1 दिन 5 घंटा, लेकिन हम उससे पहले जाएंगे ऐसा अपना प्रॉमिस है। वैसे तो टैंक फुल है बाइक का, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा पेट्रोल ले लेते हैं, देखते हैं कितना आता है, ज़्यादा तो आएगा नहीं, 200-400 का ही आएगा, फिर जो भी आए फुल कर दीजिए। ऐसे तो है, क्या करें, दिख तो रहा है पेट्रोल, ले ही लेते हैं। ज़्यादा तो नहीं आएगा, फुल कराया था थोड़ी देर पहले, बट जो भी आए 200-300 का। वहीं तक रखिएगा, वो जो स्टील है ना उसके ऊपर नहीं आना चाहिए। बस 380 हो गया। नहीं नहीं इससे ज्यादा नहीं, फिर मेरी बाइक को कार्ड। चलो इनको पेमेंट दे दो, कार्ड नहीं ऑनलाइन देता, स्कैनर लाओ ना। लो भाई फ्यूलिंग भी हो गया अपना डन, अभी वापस से रेंज अपना 460 का आ गया है, तो अब बढ़ा जाए, बहुत स्टॉप हो गए, एक स्टॉप हमने चेन स्प्रे के लिए लिया, एक स्टॉप हमने फ्यूलिंग के, अब ज़्यादा स्टॉप लेना ठीक नहीं है क्योंकि अपना रास्ता अभी बहुत लंबा है। दाहोद 103, गोधरा 30 किलोमीटर, वो भी पेट्रोल में वहाँ नहीं लेता, अभी तो गाड़ी में फुल थी, बस 380 रुपये की पेट्रोल आई, तो समझ ही सकते हो आप
बट मैंने इसलिए लिया कि रिलायंस वो जियो BHP वाला पेट्रोल थोड़ा अच्छा होता है उसका माइलेज, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार जब दिख रहा है तो ले लो, वरना फिर MP में घुसने के बाद से तो पता ही है बहुत गंदा हाल हो जाएगा पेट्रोल को लेके, और वहाँ तो पेट्रोल पंप है भी नहीं नज़दीक नज़दीक। तो बस चलिए बढ़ते हैं आगे, मिलते हैं। लो भाई ये व्यू चेक करो, ये नीचे समंदर और ये पानी सूखा हुआ है इस समंदर का। यहाँ पे देख लीजिए लोग बाइक लेकर जा रहे हैं वहाँ तक, वेब्रिज टाइप बना हुआ है रास्ता और बीच में थोड़ा थोड़ा पानी है। अगर टाइम होता अपने पास तो वहाँ मस्त उतर के जाते, नहा भी सकते हैं। और उधर सामने अगर आपको दिख रहा हो तो पहाड़ वहाड़ दिखना भी शुरू, मतलब रुझान आना शुरू MP का, जबकि अभी हम MP में घुसे भी नहीं है। और ये क्या चल रहा है, ये हॉलो करके यहाँ से, अच्छा ये पत्थर को काट काट के ये क्रशर फैक्ट्री के यहाँ पे बैठी हुई है, सीमेंट प्लांट, सीमेंट बन रहा है। और ये मस्त गड्ढा हो गया वो तेरे, यहाँ नीचे मंदिर भी है। मैं उस सही रॉन्ग में होता, अब सामने से बस आ रही है वरना थोड़ा रॉन्ग साइड होके दिखाता मैं। चलो अभी देखे खाली हो गया, रॉन्ग हो जाता हूँ। ये देख लो इधर नीचे मंदिर है, लोग डीजे वीजे बजा रहे हैं, पूजा भी है, मेला भी है। समझ नहीं आ रहा है भाई ये क्या है क्या नहीं है, बट देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी है शाम में यहाँ आओ ना तो बहुत तसल्ली मिलेगी, सुकून मिलेगा दिल को। यही सारी चीज़ें तो हैं यार कि हर सफ़र को मज़ेदार बनाती हैं। और मैं क्या है कि हमेशा अपना रूट जो है अलग अलग चुनता हूँ। बिहार अभी जिस रूट से आया था ना वापस से उसी रूट से रिटर्न नहीं हो रहा, उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करा है मैंने। ये अलग बात है कि 100-200 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ जाता है, बट उससे अपने में कुछ खास लेना देना नहीं है। तो चलो भाई बढ़ते हैं आगे बिना कुछ पकाए हुए आप लोगों को। सो गाइस फाइनली यहाँ से इंदौर अब 269 किलोमीटर है, बट हम इंदौर नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा उज्जैन। उज्जैन से होते हुए निकलूंगा, इंदौर जाने का मतलब है कि फिर भोपाल जाना पड़ेगा और रूट और लंबा हो जाएगा अपने, इसलिए अब जैसे ये बच्चा गाड़ी में से मस्त देखते हैं। तो अभी इस हाईवे को 13 किलोमीटर कंटिन्यू करना है, सॉरी एक्सप्रेसवे है ये, हाईवे नहीं है। मिलता हूँ आगे। लो भाई ये गेस करके बताओ कि ये गुजरात है कि MP है कि राजस्थान है। अगर अभी मैं गूगल मैप नहीं देखता ना रुक के थोड़ी देर पहले, तो मैं भी कंफ्यूज था, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान की भी गाड़ियाँ मिल रही थी, MP की भी और गुजरात की भी। और ये जगह देख के लग रहा है ना मुझे कि ये MP ही है पहाड़ वहाड़ देख के, क्योंकि राजस्थान में तो मेरे ख्याल से पहाड़ वहाड़ होता नहीं उतना, और गुजरात हम छोड़ ही रहे हैं। अब एक अलग फील है, एक अलग मज़ा आ रहा है एक्सप्लोर करके। इकलौती KTM जो कि बिहार से गुजरात आई और वापस फिर एक्सप्लोर करके यहाँ से गुजरात से बिहार जा रही है, और मैं बिहार का इकलौता राइडर हूँ भाई। तो हिस्ट्री लिखना स्टार्ट रहेगा, आगे भी स्टार्ट रहेगा, ये नहीं कि ये राइड हो गई लंबी इसके वास्ते बंद, आगे भी लंबी लंबी राइडें आती रहेगी हमारे चैनल पर। अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब सब सक, 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 वो जो मीम्स नहीं चला था सकर पारा, वो बोलते बोलते मैं भी गलत बोलने लगा हूँ। तो सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन भी प्रेस रखें फर्दर वीडियोस के लिए। और मैंने प्रीवियस में पास्ट में बहुत सारी वीडियोस डाली है, बहुत सारी राइडें करी है मैंने, बिहार टू सॉरी इंडिया टू नेपाल, इंडिया टू भूटान, सिलीगुड़ी सिक्किम, गैंगटॉक, सारी राइडें पड़ी हुई है हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग। झारखंड, देवघर, वाराणसी, हरी चीज़ें, आप जहाँ का भी आपको इंटरेस्ट हो देखने का प्लीज़ जाके देख ले एक बार, चेक ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें। बाकी अब क्या ही बोल सकता हूँ इससे ज़्यादा, हम यूट्यूबरों की ये मांगने की आदत तो जाएगी नहीं, हमेशा ऐसे कटोरा फैला के भीख मांगते हैं सब्सक्राइब की। तो बस चलो बढ़ते हैं आगे।